ओके बेटा, ये क्लास एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब चैप्टर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन। मेरी आवाज जा रही है? CP is 800 and SP is ₹896। अब बेटा आपको फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। पहले चेक करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सीपी आपकी दी गई 800, एसपी दिया गया है 896। यहाँ इस कंडीशन में देखेंगे, अगर एसपी ज्यादा रहेगा सीपी कम रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। सर आप कर लीजिए वाइस पर, शिवेंद्र भाई। SP 896 माइनस 800, माइनस करने पर कितना आएगा, 96। 96 रुपीज से क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। अगर यहाँ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, लॉस होगा तो लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। ये कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, अगर हमारा सीपी कम रहेगा एसपी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ देख रहे हैं सेलिंग प्राइस ज्यादा है, 896 है, और कॉस्ट प्राइस 800 है, कम है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। चलिए हम यहाँ साइड में प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर रहे हैं, लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये है प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, ये प्रॉफिट फाइंड करने का फार्म प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। ये है प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फार्मूला। तो प्रॉफिट हमको दिया गया कितना है, प्रॉफिट यहाँ पर 96 रुपीज का प्रॉफिट है, और 100 इंटू 100 करेंगे अपॉन सीपी, कितना दिया गया है, 800 दिया गया है, ये हो जाएगा 800। 0 से 0 क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 8 वन 8, और यहाँ पर आपका आएगा 12। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, 12% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं, नोट कर लीजिए इसको। ओके,
हाँ बेटा, बाकी स्कूल के बगल में घर है ना, तो वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी। ठीक है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। यहां पर भी देखिए दिया गया है सीपी मींस कॉस्ट प्राइस इज 1200 एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 1308। ठीक है, अब यहां भी फाइंड करना आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ही फाइंड करना है। चेक करना पड़ेगा कि यहां पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है, कॉस्ट प्राइस कम रहता है, तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यहां निकालेंगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट क्यों निकालेंगे? क्योंकि देख पा रहे हैं जो हमारा एसपी है ज्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या है? ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस यहां से कम है। तो लिखेंगे एसपी माइनस सीपी। अब एसपी कितना है? 1308 है। सीपी कितनी दी गई है यहां पर? 1200 है। माइनस करेंगे कितना आएगा? 108 आएगा। ठीक है, 108। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 108 का प्रॉफिट हो रहा है। यहां से हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है यहां पर? 108 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है इनटू 100। अब यहां से सीपी कितना दिया गया है? 1200 दिया गया है। ये हो जाएगा 1200, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 × 12, 12 × 9 = 108 होगा। यहां पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 9%। ठीक है, ये 9 बचा हुआ, तो 9% का प्रॉफिट हो रहा है, ये आंसर हो गया। नोट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट मंथ? यस। बेटा एसपी ही तो ज्यादा है यहां पर। तो लॉस होगा, अगर एसपी सीपी ज्यादा होगा तो लॉस होगा। जहां 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 प्रॉफिट दिख रहा है, बस वहीं लॉस लिख देना है बस। ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऑलवेज हम फाइंड करते हैं सीपी पर ही फाइंड करते हैं। ठीक है, नीचे आपका हमेशा सीपी ही रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सी पार्ट है, डी आप लोग होमवर्क में करेंगे, मैं सी बता रहा हूं। यहां दिया गया है सीपी इज इक्वल टू रूपीज 500 एंड एसपी इज इक्वल टू रूपीज 475 एंड फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओके, चलो चेक करते हैं यहां पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम यहां पर चेक करेंगे, देख रहे हैं जो आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 500 एंड एसपी इज 475। यहां देख पा रहे हैं जो एसपी है वो लेस है, सीपी ज्यादा है, देन वी फेस लॉस। यहां लॉस फेस करेंगे, इसलिए लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। अब देखिए सीपी कितना है? 500 है एंड एसपी इज 475। देन माइनस करेंगे यहां पर कितना आएगा? 25। 25 रुपीज का लॉस हो रहा है यहां पर। अब यहां से हम लॉस परसेंट फाइंड करेंगे, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम फार्मूला अप्लाई करना है, बट जहां प्रॉफिट वहां हमें लॉस लिख देना है। तो लॉस इनटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट या लॉस किस पर होगा? हमेशा सीपी पर ही होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। लॉस कितने का हो रहा है? 25 रुपीज का लॉस हो रहा है, इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन सीपी रहेगा कितना? 500। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5, 25। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 5% का यहां पर लॉस हो रहा है। ठीक है, ये हमारा लॉस परसेंट हुआ 5%। नोट कर लीजिए इसको। टाइम ओके छोड़। ओके, अगला क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, इसका डी पार्ट आप लोगों को होमवर्क करना है। इस क्वेश्चन का डी पार्ट होमवर्क रहेगा आपका। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट आपका होमवर्क है बेटा। हाँ बेटा, मीटिंग कोड का वेट करना आप लोग, जो भी क्लास होगी मीटिंग कोड सेंड किया जाएगा।